गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा के आई थी, उसी टाइम मैंने वीडियो शूट की। तो मैं नहा के आ गई, झाड़ू मैंने सुबह लगा लिया था उठते ही, और नाश्ता बन गया था, नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे मैं हो रही थी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार, तो मैंने हेयर वॉश किया तो बाल गीले थे, तो इसलिए उसी समय आई थी मैं। तो मैंने टॉवल से पोंछे और कंघी लगा रही थी, तो गीले बालों पे कंघी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में थे तो इसलिए मैंने ऐसे इकट्ठे करके बालों पे रबर लगा लिया था। और लेट भी हो रही थी जाने के लिए, क्योंकि शायद 9 बजने वाली थी और 9 बजे हम घर से निकले। तो यहाँ पे मैं बाल को सुलझा रही थी, और 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई, मैं इसी वजह से ब्लॉग बना भी नहीं पाई हूँ। 2-3 दिन से मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल जा रही थी। आज 3रा दिन था मेरा, पहले दिन गई तो दूसरे दिन मतलब कल कुछ टेस्ट दिए थे डॉक्टर ने, तो वो टेस्ट कराए शुगर के, और आज रिपोर्ट लेनी है और उसके बाद दिखाना है डॉक्टर को। तो बहुत भीड़ रहती इसलिए मैं सुबह जल्दी तैयार हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे खुले पे रबर लगा लूँगी बालों पे, क्योंकि स्कूटी में जाना है तो हवा से बाल ऐसे बिखर जाते हैं, अगर खुला छोड़ो ना तो हवा से ज़्यादा बिखर जाते हैं। वैसे ही बाल पहले तो है ही नहीं, जो भी है वो सारे ऐसे अजीब से हो जाते हैं, झाड़ जैसे अगर खुले करके ले जाओ। तो मैं एक रबर लगा लूँगी, और आप लोगों को मेरी आवाज़ अजीब सी आ रही होगी ना, मुझे कोल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। दवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन अभी जो ना कभी नाक खुल रहा है कभी बिल्कुल बंद हो रहा है, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई, क्योंकि अजीब सी आ रही थी आवाज़ मेरी। तो बच्चों ने एक दो शॉर्ट वीडियो डाली तो इन्होंने ही डाली। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से आ रही थी घर, ऐसे ही 11:30 का टाइम रहा होगा, तो मैं आधे रास्ते तक आ गई थी, यहाँ पर पैदल आ रही थी। तो मैं मार्केट या कहीं भी जाऊँ, मैं ऑटो रिक्शा नहीं लेती हूँ, मैं आती हूँ पैदल ही। तो मैं यहाँ पे पैदल आ रही थी, और काफ़ी टाइम है, मतलब मेरे को 1.25 घंटे का टाइम लगा होगा, 40-45 मिनट आते आते। तो थोड़ा सा मैंने एक जगह पे शूट किया था, वैसे शूट करने का टाइम नहीं मिला आजकल, तो पैदल आते आते मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो शूट की थी। हेलो गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ घर में, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, कपड़े धो के डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और अभी यहाँ पे बैठी हूँ पानी पी, मैं जस्ट अभी पहुँच ही रही हूँ। और आप लोगों को बताऊँ आज मैं कितना पैदल चली, लगातार मतलब 1 घंटा लगा लो, लगातार 40 मिनट तक मैं दोपहर के धूप में चलती रही पैदल। तो वैसे मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था 11 बजे, तो 11:15 या ऐसे 11:12-13 पे मैं निकली थी वैसे। और मेरे हस्बैंड अभी वहीं हैं, उन्होंने डॉक्टर को दिखाना है, तो मैंने कहा अभी तुमने दिखाना है तो रुक जाओ, मैं घर जाऊंगी, कुछ काम होगा घर में। तो हम लेडीजों का होता है ना कि जब हमने आके सारा काम खुद ही करना है, तो इससे मैंने कहा मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आप दिखा लो डॉक्टर को, मैंने दिखा लिया है और मैं चली जाती हूँ। तो वो तो आएंगे स्कूटी में, और मैंने रिक्शा नहीं लिया, मैंने सोचा मैं पैदल ही चल लेती हूँ। मैं जब मार्केट या कहीं भी जाती हूँ ना मैं बाहर, तो यहाँ इतना दूर नहीं है रुड़की में, मार्केट हो या कुछ भी हो, मंडी हो या कुछ भी हो, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं पैदल ही जाती हूँ। आज मैं MSC भी पैदल आई, तो मुझे लगे 40 मिनट, जबकि मैं बहुत तेज़ आ रही थी, ऐसे धीरे धीरे नहीं चल रही थी, तेज़ आ रही थी। तो धूप में लगातार 40 मिनट तक मैं चल रही थी पैदल, और आज मेरी आवाज़ ना आपको अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, इसके लिए मैं परसों हॉस्पिटल गई थी और परसों दवाई लेके आई थी, दवाई डाल भी रही हूँ नाक में और खाने की भी है, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए थे कल, तो वही रिपोर्ट दिखानी थी डॉक्टर को, इसलिए गई थी, और शायद इसी वजह से मेरी रिपोर्ट सही आई, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं और डेली भी नहीं करवाती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत सारे काम होते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता है लेडीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं जब भी मुझे टाइम मिले मैं एक्सरसाइज कर लिया करती हूँ। और ये पैदल जाना, जबकि स्कूटी है घर में, फिर भी मैं बोलती हूँ कि
कुछ सामान लाना है तो मैं खुद ही पैदल जाके ले आऊँ दुकान से या सब्जी वगैरह। तो आज मैं काफ़ी चली पैदल, मतलब 40 मिनट कम नहीं होता, वो भी तेज तेज। अगर मैं थोड़ा धीरे चलती तो 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता था चलते चलते, लेकिन मैं बहुत तेज तेज चल रही थी। और इसी वजह से मेरी शुगर की रिपोर्ट है बिल्कुल एकदम सही आई, नॉर्मल है। तो हम आजकल क्या है कि फैसिलिटी जितनी ज़्यादा हो गई है ना, उतने ही लोगों को बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी 2 कदम दुकान में या कहीं भी जाना हो, कहीं भी, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना हो ना, चाहे स्कूल कितने पास है, फिर भी हम लोग बोलते हैं चलो अपनी गाड़ी ले जाते हैं जल्दी आ जाएंगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, या कहीं मार्केट जाना है तो गाड़ी में चलो जल्दी हो जाएगा, और पैदल चलना जो है बिल्कुल छोड़ दिया है आजकल। तो पहले लोग कितने दूर तक पैदल जाते थे, गाड़ियों की इतनी सुविधा नहीं थी और तब बीमार भी कम होते थे। और आज भी गांव में देखो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, बहुत दूर दूर तक चढ़ाई में उतराई में पैदल चलना, तो वो लोग बीमार कम होते हैं। और शहरों में जितनी फैसिलिटी है उतने लोग ज़्यादा बीमार भी होते हैं। तो मैंने भी सोच लिया है, मैंने भी देख लिया है, क्योंकि कोई बीमारी मोल नहीं लेनी है खुद से, जितना हो सके उतना एक्टिव रहना है, थोड़ा बहुत चलना पैदल, घर में वॉक करना, और जितना हो सके मतलब घर का खाना खाना। और ये देखो मेरा पेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, आजकल काफ़ी घट गया है, क्योंकि मैं पैदल चलती हूँ और घर में भी वॉक एक्सरसाइज करती हूँ। और इसकी चल रही थी क्लास, ये देखो मैं आई और लेट गई मेरी गोदी में। तो अभी खाना पीना बनाना है, 12 तो बज गई है। और क्या बोली, और 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई, मैं शॉर्ट ही डाल रही थी, शॉर्ट भी मैं नहीं डाल रही थी, बच्चे डाल रहे थे, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार हो रहा था हॉस्पिटल जाना, थोड़ा कोल्ड हो गया था और बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मेरी नाक एकदम बंद। तो मैं जब गई थी परसों हॉस्पिटल तो मैंने सोचा टेस्ट भी करवा लूँ, तो डॉक्टर ने कुछ शुगर के कुछ टेस्ट भी लिखे थे, वो मैंने कल करवाई। कल भी गई थी मैं, सुबह चली गई थी खाली पेट, और कल भी हॉस्पिटल रही, आज भी और परसों भी, 3 दिन हो गए, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई और ना ही मैं आप लोगों की वीडियो पे आ पाई। तो आज तो मैं भी आ गई हूँ, 12 बजे पहुँच गई हूँ मैं घर, तो इसी कारण से मेरी वीडियो नहीं आई। और आप लोगों की वीडियो में जितना हो सके थोड़ा बहुत किसी की वीडियो पे जब टाइम मिला देखा मैंने, लेकिन सब लोगों की नहीं आ पाई मैं वीडियो में। और वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जहाँ पे बिना पूछे, जहाँ पे मुझे पक्का पता नहीं रहता कि यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, वहाँ की वीडियो में शूट नहीं करती हूँ। तो मैं गई थी MH में, तो आर्मी क्षेत्र है वहाँ, पक्का पता नहीं मुझे, लेकिन शायद शायद वहाँ वीडियो बनाना शूट अलाउड नहीं है, और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहाँ वीडियो शूट नहीं की। और जब तक मैं किसी को पूछ नहीं लेती हूँ यहाँ वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, तब तक मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं की भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को देखा करिए, और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों की वीडियो पे आऊँगी। थोड़ा परेशान हूँ आजकल, ये हॉस्पिटलों का आना जाना हो रहा है ना, इसलिए सबकी वीडियो भी नहीं आ पा रही हूँ। तो आज कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, और इतना ही था आज की वीडियो। तो जो लोग फर्स्ट बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे, कोशिश करूँगी जल्दी ब्लॉग बनाने की, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।